धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मीडिया की जरूरत है, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को अपना मीडिया बनाना चाहिए, क्योंकि आज का जो मीडिया है वो भोंकू मीडिया बन चुका है। तो सरकार की दलाली चाटुकारी के अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ समाज के अंदर नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। सारे दिन चलने वाला मीडिया लोगों को सूचनाओं से दूर कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो इतनी सूचनाएं लोगों को देता कि लोग जागरूक हो पाते। लेकिन अफवाहों का बाजार दो मिनट में गर्म हो जाता है। लोग कहीं भी बच्चा चोरी के नाम पे किसी का कत्ल कर देते हैं, कभी गाय काटने के नाम पे किसी का कत्ल कर देते हैं, कभी गौ तस्करी के नाम पे किसी का कत्ल कर देते हैं, कभी किसी पर ये आरोप लगा देते हैं कि ये तो थूक कर फल बेच रहा है, या ये कोरोना फैला रहा है, या ये नोट यहाँ पड़े मिल गए हैं। मतलब तरह तरह की अफवाहें चलती रहती है। बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये मीडिया की, ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मौलाना साहब, जिन्हें आप जानते होंगे, तबलीगी जमात के प्रमुख हैं, वो अमीर बताया जाता है उनको, उन्होंने दो अखबारों को इंटरव्यू दिए। 93 साल पहले शुरू हुई थी तबलीगी जमात, और ये लोग हमेशा मीडिया से दूरी रखते थे। लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति आ गई, जरा सा एक मुकदमा दर्ज होते ही मरकज पे ताले पड़ते ही, कि इन्हें लगा कि नहीं भाई, अपने जवाब देने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया चाहिए। पहले एक इंग्लिश के अखबार को इंटरव्यू दिया, फिलहाल एक उर्दू के अखबार को इंटरव्यू दिया। हालांकि उन दोनों इंटरव्यू को लेकर उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि मौलाना द्वारा दिए गए इंटरव्यू नहीं है, फर्जी हैं। पर हम फर्जी वाले पे बहस नहीं करेंगे। हम बहस यहाँ इस मुद्दे पे इसलिए करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में इन्हें भी एहसास हो गया कि मीडिया की ताकत है, और ये आगे क्या सोचेंगे, या सिर्फ इन्होंने अपने इंटरव्यू दे दिए, खाना पूर्ति कर दी और फिर से उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे जैसे हमेशा से चलते रहे, वक्त से कभी आंखें नहीं मिलाई हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं साहबुद्दीन याकूब साहब, जो जी इस्लाम में एंकर रहे हैं, एडिटर रहे हैं, और मुस्लिम समाज पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, भारत ही नहीं इंटरनेशनली। जब आप उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनके चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। न्यूज नेक्स्ट के नाम से उनका चैनल है, उसके वो फिलहाल एडिटर हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें वो लोगों के सामने रखते रहते हैं। मेरा पहला सवाल, क्या मौलाना साद तबलीगी जमात को समझ आ गया है कि मीडिया एक पावर है, उसकी जरूरत है, या बस एवं ही चलो एक इंटरव्यू दे देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अकरम रईस खान साहब आपका। और आपका जो सवाल है कि क्या उनको समझ आ गया है, तो जहां तक मैं इन जमातों को जानता हूं या समझता हूं, उसमें मैं एक बात तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये वक्ती तौर पर इनके ऊपर जो इल्जामात लग गए हैं, या इनकी जो इनको जो ये एहसास हो गया है कि हमारी काफी इमेज खराब हो गई है, उस इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उसको ये कह सकते हैं कि जो कोशिश इनकी ये है कि जो बदगुमानियां फैल गई हैं इनके ताल्लुक से जी, वो बदगुमानियां दूर हो जाएं। जिस दिन इनको लगेगा कि लोगों का मेरे ताल्लुक से फिर से वही एक पॉजिटिविटी आ गई है, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचने लगे हैं, हमारे ऊपर जो लगे हुए इल्जाम थे वो धुल गए, तो ये फिर आराम से अपने अपने मोहल्लात में छुप के बैठ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए, मसला सब ये है कि हम लोग असल में जो जब तक आम आदमी जो है उसको दीन का शोर नहीं होगा और उसे पता नहीं होगा कि दीन है क्या, चंद जो लोग हैं ये दीन का कारोबार करते रहेंगे। असल में ये जो तबलीगी जमात है, इसका काम तो नो डाउट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि शायद हमारे और आप जैसे लोग मतलब उसका इहाता नहीं कर सकते। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है सोसाइटी में, लेकिन इसमें वक्त के साथ साथ जो लोग आते गए उनका जो असल मकसद था वो अपने असल मकसद से कहीं ना कहीं पीछे हट गए। और ये बात इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कई महीने पहले तबलीगी जमात को लेकर ऐसी बहुत सारी बातें आई थी मीडिया के अंदर भी और पब्लिक डोमेन में भी, कि जहां भी ये था कि भाई तख्त के लिए रशा कशी हो रही थी कि भाई ओहदे पे कौन रहेगा, मैं रहूंगा, कहीं और रहूंगा, कोई और रहेगा, और उसके लिए काफी अफवाहें और इस तरह से उस वक्त भी काफी बदनामियां इन लोगों की हुई थी। लेकिन चूंकि ये लोग वो बदनामी विद इन द सोसाइटी थी, इसलिए उसकी भी कोई ना इनको इन्होंने परवाह की, ना कोई आके सामने कोई तरदीद सही तरीके से कर सका, ना ये बता सका कि तबलीगी जमात का अगर मकसद है लोगों के अंदर दीन की बेदारी पैदा करना, दीन की सही समझ पैदा करना, तो इस बात के लिए अंदर ये रशा कशी के कौन इसका सदर रहेगा, कौन प्रेसिडेंट रहेगा, उसे आप समझ सकते हैं कि इनका जो असल मकसद है
जी वो क्या है? ठीक है, उस पे एक अलग बहस की जा सकती है, मुझे लगता है अलग से बहस की जा सकती है पूरी, कि इनका असल एम काद क्या था, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और कहाँ कुछ चीजों को लेके भटक गए जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा टॉपिक, मैं उसी पे रहना चाहता हूँ क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। टॉपिक मेरा ये है, क्या आज भी जैसे आप कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आई है मीडिया की, मीडिया ने इनके नाम पर क्या क्या नहीं दिखाया कि नर्सों के सामने नंगे घूम रहे हैं, ये खुले में शौच कर रहे हैं, ये खाने में बिरयानी मांग रहे हैं, ये थूक रहे हैं डॉक्टरों पर, ये डॉक्टरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ हुआ, कई सारे जमातियों के क्वारंटाइन सेंटर के अंदर मौतें हो गई, लेकिन इस सब के बाद भी आप ये कह रहे हैं इतने दावे से कि जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाएगा ये फिर मीडिया से दूर भाग जाएंगे, जैसे कि जमात के लोग दावा करते हैं कि साहब पता है हमारे अमीर साहब मौलाना साद का सिर्फ एक ही फोटो है मीडिया के पास, आज तक कोई और फोटो ना खिंचवाया उन्होंने। नहीं, असल में देखिए तबलीगी जमात जो है वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा आप कह लीजिए, वो कोई बाहर से नहीं है, यानी दूसरी कम्युनिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं बाहर से वो नहीं आते, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है जी। तो जो कम्युनिटी का ओवरऑल जो अप्रोच है वही उनका भी है। आज कम्युनिटी तबलीगी जमात पे एक इल्जाम लगा है कोरोना को लेकर, लेकिन अगर आप ये देखें तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी पर पिछले कितने सालों से दहशतगर्दी का और अच्छे से न रहने का, एक इलिटरेट होने का, बैकवर्ड थिंकिंग वाले लोग होने का, अपने मोहल्लों में साफ सुथरे तरीके से नहीं रहने, यानी बहुत सारे ऐसे इल्जाम हैं जो इसमें आपकी इमेज। मैं आपको यहाँ पे कोट करूँ कि मुझे बहुत पहले एक बहुत ही सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे इस बात पे हैरत है कि मेरी आंखों के सामने देखते देखते इस पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की इमेज जो है तबाह कर दी गई और इसे एक साफ सुथरी, एक अमन पसंद एक कौम को एक तरह से टेररिस्ट बना के पेश कर दिया गया, दहशतगर्द कौम बना के पेश कर दिया गया। इसलिए कि जमाना था, आपने देखा होगा कि हर आए दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता था, बगैर तहकीक के पूरी मीडिया पे ये बात नशर होने लगती थी कि इसका नाम ये है और ये है और वो है, और उस तरीके से आपकी पूरी कम्युनिटी की इमेज तबाह हो गई, लोगों का आपके ताल्लुक से बड़े शुभात पैदा हुए। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। शोले फिल्म का मैं एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ, इमाम साहब की क्या भूमिका दिखाई गई है। आप राज तिलक फिल्म देखिए, उसमें राजकुमार को जो मुस्लिम की भूमिका दी गई है वो क्या कमाल की भूमिका दी गई है। आप जंजीर फिल्म देख सकते हैं, उसमें प्राण की जो भूमिका दी गई है वो किस तरीके की भूमिका दी गई। लेकिन 2000 के बाद हर मोर्चे पर मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया। जैसे एलओसी फिल्म बनी, उसमें 29 सोल्जर की कहानी दिखाई गई, एक भी मुस्लिम नहीं था, जबकि कारगिल पे पूरी स्टोरी पूरी फिल्म बनी थी। यहां से नैरेटिव बदलना शुरू हुआ था। लेकिन मेरा सवाल इन दोनों चीजों को लेके है कि उस वक्त मुसलमानों को अच्छा दिखा रहे थे तो मुसलमान कह रहे थे भाई बहुत बढ़िया जी, अब मुसलमानों को बुरा दिखा रहे हैं तो मुसलमान कह रहे हैं जी क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास तो ना पहले कुछ था अच्छा दिखाने के लिए अपना, ना हमारे पास अपना बुरा जो हमारे बारे में बताया जा रहा है उसको हम सही करके दिखा सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बेचारे हैं, ऐसा कुछ सोच बन गई है क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले 15-20 साल का अगर आप मीडिया को अगर आप उसका जायजा लें तो ये कोई नई बात नहीं है कि आपके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी एक कम्युनिटी के किसी फर्द के खिलाफ, किसी एक जमात के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर ऐसे आप ओवरऑल देखें तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये पिछले 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन क्या आपकी मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं भी ये बेदारी आपको नजर आई, किसी जमात को ये फिक्र हुई कि हमारी कम्युनिटी को खामखा टार्निश किया जा रहा है, उनकी इमेज बर्बाद किया जा रहा है? असल में देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो सकती है वही है आपके बारे में गलतफहमी। अगर आपका पड़ोसी आपके बारे में गलतफहमी का शिकार है तो आप चाहे जितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, जितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर उसे लगेगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला शख्स एक अमन पसंद नहीं है या अच्छा इंसान नहीं है, तो हर वक्त जो शकों को शुभात जो गलतफहमी पैदा हो गई उससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। इसी तरीके से एक कम्युनिटी अगर उसकी इमेज खराब हो जाए, आज आप देखिए जगह जगह जो बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? इसलिए कि लोगों को पहले से लग रहा है कि किसी की लिंचिंग हो जा रही है या किसी को कोई मार दे रहा है, वो शक की बुनियाद पर गलतफहमी क्या है, उसको लगता है ऐसा तो नहीं है कि आदमी कोई गलत आदमी है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्या ये समाज की, मुस्लिम समाज की बेहिसी है, इसे आप संवेदनहीनता कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, या ये किसी हीरो का इंतजार कर रहे हैं कि कोई सुपर हीरो आएगा और इनके तमाम चीजों को धो देगा? क्योंकि आखिर ये भी तो भारतीय कम्युनिटी है ना, यहाँ जब तक फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं आ जाता है और ठाकुरों के जुम्मे से निजात नहीं मिलती है।
मेरी मैं जहां तक समझता हूं उसमें यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है एज ए होल किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप ये कहें इसलिए कि अगर एज ए होल कोई हमारा एक लीडर होता या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती जिसकी जिम्मेदारी पूरी मुस्लिम कौम की होती, यानी उसके चाहे इमेज बिल्डिंग हो या उस दीन की सही समझ लोगों के अंदर हो या नौजवानों से गुफ्तगू करना हो, उनके मसाइल को हल करना हो, यहाँ पे क्या छोटी छोटी जमातें, हर जमात सोचती है कि भाई मेरे अफराद जो मुझसे जुड़े हुए हैं ये हमारी दुनिया है, इनकी इनके इनसे मुझे जुड़ना है, इनके साथ मेरा ताल्लुक जो है वो मजबूत से मजबूत होना चाहिए ताकि वो किसी और तरफ न चले जाएं। अच्छा अब अगर क्या है कि कोई भी शख्स कोई पकड़ा जाता है या कहीं कुछ, तो ये लोग सोचते हैं चलो हमसे तो ताल्लुक नहीं है ना, दूसरे तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि मीडिया इन सारी चीजों का जवाब है। आपके पास अपना एक प्लेटफॉर्म हो, आप लोगों के जो आपके बारे में शक व शुबात हैं, गलत फहमियां, उनको दूर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ ट्रिपल तलाक का ये मामला नहीं है, आपके यहाँ चार चार शादियां करके 40 बच्चे पैदा नहीं करे जा रहे हैं, आपके मोहल्लों में गंद पंद नहीं पड़ा रहता है, आप गंद पंद नहीं खाते हैं, आप अपने मोहल्ले में हिंदुओं को नहीं रहने देते हैं, आप नाम बदल के हिंदुओं की लड़कियों को फंसाते नहीं है जिसे लव जिहाद कहा जाता है, तो ये क्या सबका जवाब मीडिया है या नहीं है? देखिए मीडिया तो आज मीडिया की जो ताकत है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज मीडिया खुद एक बहुत बड़ा टूल है। मीडिया के ताल्लुक से आज ये तक कहा जा रहा है कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है। मतलब यह है कि जब कोई भी मुल्क किसी और मुल्क में जब हमला करना चाहता है या अटैक करना चाहता है तो पहले वो मीडिया को इस्तेमाल करता है, मीडिया से उनकी सोसाइटी को तोड़ देता है, उनके अंदर से जो स्प्रिट है वो खत्म कर देता है, लास्ट में फौजें जाती हैं। तो इसी तरीके से कोई भी समाज एक चाहे एक कंट्री के अंदर ही क्यों ना रहती हो, किसी को अगर जेर करना है तो पहले उसकी इमेज तबाह कर दीजिए। जब इमेज तबाह कर दी जाएगी, लोगों के उनके बारे में शकों को शुभात पैदा हो जाएंगे, लोग सोचेंगे कि हमारे लिए कारामद सोसाइटी नहीं है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, तो उसके बाद फिर आपको टारगेट करना आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इस बात को अगर आप समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी इमेज का बेहतर होना न सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद है बल्कि जिस दीन से हमारा ताल्लुक है उस दीन को आगे तक कन्वे करने में भी आसानी होगी, तो ये समझ मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल चूंकि हर आदमी अपने मफादात को लेकर काम कर रहा है, उसको ओवरऑल न दीन की कोई फिक्र है न किसी और की फिक्र है। क्या आपको लगता है कि कुछ समाज में बेचैनी है? जैसे शाहीन बाग मैंने देखा, और जो शाहीन बाग में मैं अध्ययन करता हूं तो मैं पाता हूं कि ना उन्होंने वहां पे किसी मौलाना को चढ़ने दिया, ना किसी राजनीतिक पार्टी को चढ़ने दिया, और एक नौजवान तबका जो था मुसलमानों का, एक पढ़ा लिखा वर्ग जो था, उसने अपनी एक अलग लाइन खींची। तो वो एक वर्ग है, एक तबका है जो बेचैन भी है इन तमाम चीजों से और कुछ करना भी चाहता है। वो बहुत बेचैनी है, बल्कि अकरम साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मीडिया में जो भी मैंने काम किया है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने देखा है, अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया अगर रोल प्ले ना करे, अगर आपके ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां वो खुद दूर ना करे, तो आप सोच नहीं सकते कि आप किन हालात में जा सकते हैं। दूसरी एक और भी बात मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आपने अपना मीडिया हाउस खड़ा नहीं किया, लेकिन कम्युनिटी के जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों, किसी भी तंजीम से हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इन्होंने ये तक भी कोशिश नहीं की कि जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं उनके साथ मैं कोई कांटेक्ट बिल्डअप करूं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करूं। इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो मीडिया हाउस हैं उनके अंदर जो बहुत सारी ऐसी खबरें आ जाती हैं जिससे आपको, हमें या आम लोगों को तकलीफ होती है, वो उसके बारे में कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन पे बनाई जाती हैं, उनकी नीयत पे सवाल नहीं उठा सकते कि उनका इंटेंशन ही गलत था। कई बार होता है कि जल्दी में उनके पास कोई खबर आई और फौरन उन्होंने चला दी। उनके पास ऐसे अफराद नहीं है या उनके टच में कम्युनिटी के वो लोग नहीं है कि जिससे अगर वो जानना चाहें कि भाई आप मुझे हकीकत बताओ तो उनको कम वक्त में बता दें या एक जिम्मेदारी के साथ एक तरह से जिम्मेदारी लें कि हाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सही है और वो उस पर भरोसा कर लें। तो हमने एक तो यह है कि मीडिया चैनल या मीडिया में हमने अपना कुछ नहीं बनाया, दूसरा ये कि जो भी मीडिया हाउसेस चल रही हैं इंडिया में चाहे कोई भी हो उनके साथ हमने कोई भी पर्सनल एक रैपो जिसको कहते हैं रिलेशनशिप हमने बिल्डअप नहीं किया कि हम उनको अच्छी चीजें फीड करें, अपनी बारे में अच्छी चीजें बताएं, बल्कि हमने उनको उसी हाल में छोड़ दिया जो गलतफहमी उनके अंदर पहले से मौजूद थी उसके साथ उनको छोड़ दिया। कभी हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या हमने उनको अपडेट की, हमने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कम्युनिटी के को लेकर उसमें हमने कोई इजाफा किया। एक चीज तो हुई है ना सर, एक चीज तो हुई है
संस्थान को ऐसे लोग चाहिए थे जो मुसलमानों का पक्ष रखें, तो दाढ़ी टोपी वाले जिन्हें आजकल कहा जाता है रेंटन मुल्ला कुछ लोग कहते हैं, कुछ मौलाना फसाद कहते हैं, वो तो बहुत सारे पैदा हो गए और उनकी अच्छी खासी दुकान चल रही है, वो जाते हैं और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व होने के नाम पे वहां अपनी जहालत का परिचय देते हैं। वो उसमें भी आप देखिए उनको इल्जाम नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक उसकी एक और भी बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो आपकी सोसाइटी में कौन इंटेलेक्चुअल है, क्या है, कौन बोलता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल है, मैं अपने पर्सनल भी तजर्बा बता सकता हूँ कि नाम बहुत बड़ा है, हजरत पढ़े लिखे भी बहुत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा आप कहें कि आप आ जाइए चैनल पर, तो कहते हैं मैं चैनल पर नहीं आऊँ। क्यों? इसलिए कोई कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने, कभी वो चैनल पे कभी फर्स्ट टाइम गए नहीं, तो उनको बहुत ही हेजिटेशन होता है कि पता मैं जाऊं, मेरी क्या मुझसे सवाल कर दे, मैं जवाब नहीं दे पाऊं, मैं एक्सपोज हो जाऊं या लोग मेरे बारे में गलतफहमी के शिकार हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि जो चैनल पे जाने से कतराते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, वो छटपटाते रहते हैं कि मुझे कोई चैनल तक लेके जाए मैं बोल दूं। अब ये जो लोग हैं ये शुरू में किसी एक चैनल में चले गए, मान लीजिए किसी तरीके से मैनेज करके, अब वहां पे जाके इन्होंने अपनी एक रिप्यूटेशन बना ली, शुरू में एक फेस वैल्यू बना लिया। अब जो बाकी मीडिया हाउस हैं वो बाकी इस बड़ी इतनी कम्युनिटी को जानते नहीं। बहुत बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं आप, लेकिन इसका एक पहलू ये भी हो सकता है क्योंकि मीडिया का आज एक चरित्र बन गया है, तो मुसलमानों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको मौका भी वो देना नहीं चाहते। लेकिन एक ये भी पक्ष है कि हाँ, उनके पास ऐसी कोई लिस्ट भी नहीं है कि मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर्स हैं। मैं आखिर की तरफ आना चाहता हूँ और तबलीगी जमात वाले मामले पे ही रहना चाहता हूँ। तबलीगी जमात को भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें सर, वहां पे एक मौलाना है, मौलाना तारिक जमील साहब, क्या कमाल की पर्सनालिटी है साहब, सोते उठते बैठते खाते नहाते धोते कैमरा चाहिए, और यहाँ वाले मौलाना हैं वो कहते हैं साहब हम तो फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे जी। तो ये क्या है, वहां का तबलीगी जमात अलग है, यहाँ का तबलीगी जमात अलग है, क्या आपका अध्ययन कहता है? नहीं देखिए, तबलीगी जमात न यहाँ की अलग है न वहां की अलग है, इसलिए कि इन दोनों का जो सोर्स है वो तो इस्लाम है, इस्लाम एक ही है, उनके लिए भी वही इस्लाम है, इनके लिए भी यही इस्लाम है। ये इनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वहां पे जो जो लोग भी हैं वो मीडिया को फेस कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मीडिया तो इनका है नहीं और दूसरे मीडिया को ये फेस नहीं कर सकते, अपना मीडिया कैसे खड़ा करें, इसका भी शोर नहीं है, ना इंटरेस्ट है। तो एक तो बुनियादी वजह यह है, दूसरी बुनियादी वजह आप ये कह सकते हैं कि देखिए, इस्लाम को लेकर आज जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो, आदमी कम पढ़ा लिखा है, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें लिटरेसी रेट कितना है, और दीन की अंडरस्टैंडिंग की अगर आप बात करें तो उसकी भी बहुत कम है। यहाँ हर दूसरा आदमी जो है वो स्पीकर बनना चाहता है, वो इमाम खतीब बनना चाहता है, और आजकल वो मीडिया पे आके कुछ ना कुछ कहना चाहता है ताकि उसकी एक इमेज बिल्डिंग हो। क्या कहीं कुछ ऐसा भी है कि मीडिया से दूरी बनाए इसलिए रखना चाहता है मुस्लिम समाज, मुस्लिम तबका, मुस्लिम कम्युनिटी, कि उसके पास अपने छुपाने दबाने रखने को बहुत कुछ है, वो नहीं चाहता मीडिया वहां तक पहुंचे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है, लेकिन ये है कि देखिए, इसमें एक ये है कि आप ये समाज क्या सोचता है इससे कतए नजर अगर आप इस पे देखें कि अगर आपके पास एक पावरफुल कोई भी एक मीडिया है, चैनल है जी, तो उससे सबसे बड़ा खतरा भी इन्हीं लोगों को है। उसकी वजह यह है कि हर वक्त आप एक एडवांटेज ये ले लेते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए आपका चैनल इतना बड़ा हो गया, तो जाहिर बात है आप अगर उधर सवाल करेंगे तो इधर भी तो क्वेश्चन करेंगे जी। उधर तो जब किसी के ऊपर कोई स्टिंग होता है या कुछ इस तरह की नई स्टोरीज आती है तो बड़ा लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर इधर भी मीडिया उतनी पावरफुल हो तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इधर भी इतने ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन हो सकते हैं और ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिसके अंदर अपना चेहरा छुपाकर ये लोग अपना काम कर रहे हैं। इधर भी बेशुमार मसाइल, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, अगर उनको आपने खोलना शुरू कर दिया तो इनकी जो इन्होंने जो अपना एक पूरा कॉर्पोरेट बना रखा है, नाम कुछ और दे रखा है, इसकी समझिए कि जो बुनियादें हैं सब हिल जाएंगी, सब बिखर जाएंगी। बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, और वाकई में बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने जरा सा इतना बोला मौलाना साद में बोलता हूं, हजरत मौलाना साद ऐसे नहीं बोलता हूं, और मैं वहां ये कहता हूं कि भाई जब मैं आरएसएस चीफ के बारे में बात करता हूं तो मैं मोहन भागवत बोलता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होती, तब आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपके हजरत जी को मौलाना साद कह दो तो गाली देने लग जाते हैं। तो ये आपने जो कहा है
ये वाकई में सच है, ये चाहते नहीं है कि मीडिया बने, मीडिया बनेगा तो कल इनकी तरफ भी उल्टा फोकस करेगा और इनके भी कुछ कारनामे जो हैं वो समाज के सामने आएंगे। आप में भी बहुत ज्यादा अंधभक्त हैं, हम सिर्फ दूसरों के अंधभक्त की बात करते हैं जी, लेकिन उससे कम बड़ी तादाद इधर नहीं है जी। इधर के लोग भी यही चाहते हैं कि ये अंधभक्त हमेशा अंधभक्त बने रहें, ऐसा ना हो कि कभी ये हमारे बारे में जो हकायक हैं, जो रियलिटी हैं, वो इनके सामने एक्सपोज हो जाए। तो इधर भी अंधभक्तों को जो है अंधभक्ति उनकी कायम रखने के लिए इनको भी वो कोशिशें हो रही है, आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। कुल मिला के बात यह है कि मीडिया बनाने पर वाकई में गंभीर नहीं है समाज अभी भी, शायद उसे अभी और पता नहीं कितनी चीजों का इंतजार है। वैसे इमेज तो कहीं की बची नहीं, लेकिन कहावत वो है। आपकी बात अकरम साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस कम्युनिटी को, इसलिए कि देखिए आने वाले जो वक्त है उसमें कम्युनिकेशन अब इसी के जरिए से होगा। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोरोना ही आ गया, अब इसे जो सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गई, अब ये जो बड़े बड़े जलसे, जुलूस और आप रात रात भर के जलसे, अब ये सब खत्म हो जाएंगे। या और भी दूसरी तरह कम्युनिटी टू कम्युनिटी डायलॉग भी जो होता था, उसके लिए बहुत सारे इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, अब ये समझिए कि आने वाले वक्त में इन सब चीजों का जोर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भी इस कम्युनिटी को एक अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी कम से कम डायलॉग कर सके और इस वक्त का फायदा उठा सके। इसमें आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर आपके पास एक पावरफुल मीडिया हाउस बन जाता है तो बहुत सारे ऐसी चीजें, गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके बारे में फैलाई गई है, उसको आप आसानी से इस टूल को इस्तेमाल करके आप दूर कर सकते हैं। बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप जो दोनों कम्युनिटीज के दरमियान या डिफरेंट कम्युनिटी के दरमियान बिल्डअप होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं और अपने बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं। तो अब कम से कम ये जो वक्त है, ये तकाजा करता है कि अब भी कम से कम वो लोग जो सेंसिबल हैं वो कोशिश करें आगे आए। इसलिए कि देखिए, कम्युनिटी में एक जान अभी भी बाकी है कि अगर 10 चेहरे ऐसे आ जाएं जिन पे लोग भरोसा कर सकें और अगर वो आवाज देंगे तो अभी भी कम्युनिटी उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ नवाज देवबंदी की एक लाइन याद आ रही है, वो कहते हैं सोचो आखिर कब सोचेंगे। तो ये वक्त आ चुका है कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। क्या यहाँ से भी सोचा जाएगा या फिर से हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड, हमारे ऊपर मीडिया हमला कर रहा है, हमारे ऊपर सरकार हमला कर रही है, मुसलमान तो जैसे बेचारे हैं। खुदा ने दूसरी जो मखलूक है उसको किसी और भगवान ने, किसी और अल्लाह ने पैदा कर दिया है, या तो ये मान लें या फिर ये माने कि उनको भी अगर अल्लाह ने और उसी ईश्वर ने पैदा किया है तो हम उनकी तरह क्यों नहीं सोच सकते हैं। क्या सरकार ने ऐसी कोई पाबंदी तो लगा नहीं रखी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब लगते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। फिलहाल अभी हमें देख जाए।